जानते हैं कि आज किस मौजू पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? ऐसे जी, आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका है जी, हमारी 25 तारीख को हमने हमारे ऑफिस का मुहूर्त करना है। 25 तारीख को सुबह 9 बजे आसी बस स्टैंड पर हमने हमारा ऑफिस बनाया है, जिसका विधिवत रूप से हम 25 तारीख को मुहूर्त करवाएंगे किसी साधु संत से जो राजनीति से दूर। साधु संत तो बीजेपी की पार्टी है, आप भी ऐसे जी? बहुत साधु संत जो राजनीति से दूर हैं वो किसी पार्टी में नहीं है, न वो बीजेपी के हैं न वो साधु संत हैं। उनको तो समाज का कल्याण करना है, तो किसी साधु संत से हम अच्छे जो आचरण है, जो समाज को सही दिशा में ले जाने वाले हैं, उनसे हमारे दफ्तर का हम हवन यज्ञ करवा के और विधिवत रूप से 25 तारीख से हम हमारा दफ्तर शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम टिकट घोषित करने वाली है, कांग्रेस की मिलने वाली है, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? ऐसे जी, कांग्रेस में आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, बीजेपी भी खुश, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली की चट्टी बट्टी है, दोनों ही ख़त्म पार्टी हैं, दोनों को ही मौका मिल लिया। हरियाणा में कांग्रेस कई साल राज करा और बीजेपी ने 5 साल आपने देख लिए, ऐसी कोई बात उन्होंने को अलग से नहीं करके दिखाया, जिस तरह हम ये माना कि भाई ये पार्टी को अलग पार्टी है। हमें नहीं लगता इन दोनों पार्टियों में कोई ढंग की पार्टी या ढंग का प्रत्याशी कोई हंसी से है। ऐसा आपके पास कौन सा त्रुप का पत्ता है जो बीजेपी के रथ को रोक दे 75 का? ऐसे जी, रथ कड़चल है और हमारे पास तो आम आदमी के लोग, जो आम आदमी हैं, जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग, आम आदमी जो हैं, वो त्रुप का इक्का है जी, वो अणका रथ रथ को नहीं है, अणका रथ के दोनों पहिए काट लेंगे, खाली रथ रथ की सरदा की सरदा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि अणका अगर करप्ट नेता को उन्होंने टिकट दे दी, जो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, पहले से ऑलरेडी कई घोटाले कर रखे हैं उसने, कई लोगों की मौत का जिम्मेवार भी है, उस आदमी को टिकट दे दो, हमारी गारंटी जमानत जब्त करने की, ये बीजेपी की पहली सीट होगी जिस पर 10,000 कांकड़ा। बार बार आप ये कयास लगाते हैं और एक बात है, उसको रिवील नहीं करते, उसका नाम ऐसा हो जाएगा जी, जल्दी आ जाएगा सामने, तावड़ ना मचाओ, समय समय पर सब चलेगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, 80 से कोई आ जियो, 40 चोर हैं बीजेपी के, 59 मिल जियो, सारे चोर हैं, सब पर आरोप हैं जी, और सारा की कच्चे चिट्ठे हमारे पास है, जो सको मिल गई उसी की पूरी पोल खोल लेंगे। बीजेपी वाला आपकी कड़ी लाए गई ऐसे है जी, वो तो समय बताओगा, जेजेपी का कि का कैंडिडेट कौन आवेगा, बीजेपी का कौन आवेगा, कांग्रेस का कौन आवेगा। आम आदमी पार्टी आम आदमियों से बनी हुई पार्टी है और आम आदमियों की कर लगाने वाला मैंने तो आज तक खुद देखा नहीं, जो गांव में आम आदमी है उनसे बनी हुई पार्टी है, आम आदमी के वोट पाओगे जी? मारे मारे को मोटे मोटे पेटा के लीडर थोड़ी है, मारे तो आम आदमी जुड़े हैं, गरीब आदमी जुड़े हैं। और लिस्ट जारी होगी? हाँ जी, हमारे करीब 10 आदमियों की लिस्ट और जारी होगी, टोटल 22 से ये हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर चुनाव प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे। 90 के 90 विधानसभा? हाँ जी, 90 के 90 पे लड़ेंगे, सारे पार्टियों अपने हल्का वाइज कार्यक्रम चले हुए हैं पार्टी नेताओं के, और जल्द ही सबकी टिकट अलाउंस हो जाए, सब तो पहले होगी जी, ये तो आखिरी में करेंगे ना, 15 दिन मिलेंगे, अरे 15 दिन में तो वैसे सांग जताऊँगे इतना हम चुनाव जीत लेंगे, सीधी सीधी बात पड़ी है। और जनता बोली घूम रही आजकल, जो लोग वोट जिसके घर मांगने जाओ उसी देंगे, जिसके घर वोट मांगने जाओ सुना एक वोट कौन देगा की बात। ये अति विश्वास नहीं छलक रहा है पैमाने से आपका? आप अति विश्वास क्या करेगा जी, आप बताओ, आपके घर कोई वोट मांगने नहीं आया तो आप उसके वोट गिर क्या होगी? आप मनु बता दो, आप जब वोट गिर के आंदे हो, आप तो कोई आदमी वोट मांगा को नहीं, आप तो हाथ ला देगा दूर तय, तो आप उसने वोट दोगे कौन दे? अच्छा, अगली बात बस लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, पार्टियों में डाउट छोड़ दिए गए, कुछ ऐसा लगता है अभी 11 लाख का एक डाउट पकड़ा है भाजपा नेता ने? अरे कुछ नहीं, उनकी आपस की चाल है ये उनका स्टैंड है, वैसे ऐसे है, सब बकवास है जी, ये सब मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये पता है सारे को, सब षड्यंत्रकारी हैं, ये हर आदमी भी षड्यंत्र चलाओगे, ये खुद ही मिले हुए, सारे काम खुद ही करें, उनकी मीडिया में से तो फोटो लगाओ को नहीं, दिखाओ को नहीं, क्योंकि सुधरे काम थोड़ा ना करे को नहीं, ये बूंडे बूंडे आदमी, बूंडे बूंडे आदमी तो रहा हूँ, उनका जरूर इस कांड में पहले इस प्रकार का हाथ रहा होगा, तुम्हारा तौर फोन को नहीं आओ किसी का, और भी बहुत साथी हैं, 2 लाख आदमी रवासी में। अल्टीमेटली 25 तारीख को आपका मुहूर्त है? हाँ जी, हाँ जी। किस जगह करोगे? बस स्टैंड के सामने हमारा दफ्तर है। वहाँ तो भोपू तो कई दिन से बज रहा है ऐसे जी, भोपू तो टेंशन पैदा करने का तो बजाया था हमने, और अब मुहूर्त करेंगे विधिवत रूप से, और वहाँ एक पवित्र स्थान है वो,
बस स्टैंड में हमारे सारे हांसी के लोग आए हैं, उन सारे लोगों ने भाइयों ने चाय पानी पिलाने की सेवा करने का माध्यम है जी हमारा। ये थे मनोज राठी जी, आम आदमी प्रत्याशी, जो सबसे पहले डिक्लेयर किए गए हैं दूसरे नंबर पर हरियाणा में, पहला खान था आपका, तो ये दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, और इनके 10 की लिस्ट और जारी हो गई है, और ये सभी पार्टियों को लबड़ धक्के ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले प्रत्याशी है। भाजपा, JJP, कांग्रेस, सभी को एक तरीके का छोटा मोटा बताकर अपना यानी कि अति उत्साह इनका झलक रहा है, क्यों ना चलते हैं, काम कर रहे हैं तो धरातल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मानसिक चैनल पर आए। आपसे एक वादा करता हूँ जाने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, प्यार दिया, फीडबैक भी हम आपके लेते रहते हैं, हैं और आप फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छा और कार्यक्रम आपके समक्ष रखें। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त, करिए एक नए प्रोग्राम का इंतजार। राजीव सरकार के आपका नमस्कार, धन्यवाद।